बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल जाति आधारित गन्ना का दूसरा चरण समाप्त होने को है। बिहार में जाति गन्ना का डाटा एंट्री का काम भी पूरा किया जा चुका है। इसके बाद अब इन इकट्ठा किए गए जानकारी को बिहार जाति आधारित गन्ना ऐप पर अपलोड भी कर दिया गया है। यानी कि जिस दिन का इंतजार था बिहार वासियों को, लोगों को, कि भाई जाति आधारित गन्ना या फिर उसे सर्वे कह ले, उसका डाटा कब सार्वजनिक होगा, तब वो दिन करीब आ गया है। अब बिहार और देश के लोग भी जान पाएंगे कि बिहार में किस जाति के कितने लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, और सरकार उनके सहूलियत के हिसाब से उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाएगी। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में जाति आधारित गन्ना के दूसरे चरण में एकत्रित की गई जानकारी को बीजागा ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद अब इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके लिए बेल्ट्रॉन के विशेषज्ञों की सेवा ली जाएगी। इसको लेकर बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने जाति आधारित गन्ना से जुड़े कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की है और कई जरूरी निर्देश भी दिए हैं। यानी कि जाति आधारित गन्ना का जो काम चल रहा था वो सीधे नीतीश कुमार के देखरेख में था। डीएम और अपर मुख्य सचिव नीतीश कुमार को रिपोर्ट करते थे और नीतीश कुमार अपना राय भी उसमें रखते थे। अब उन तमाम काम जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ तक कि जो ऐप है उस पर डाटा अपलोड कर दिया गया है। अब उस आंकड़ा पर विशेषज्ञ जो है वो काम करना शुरू कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार जाति गन्ना में पटना जिले के 13,69,000 से अधिक परिवार चिन्हित हुए हैं। पहले चरण में गन्ना के मुताबिक पटना जिले की जनसंख्या 73,52,729 है। आधार पर दूसरे चरण में गन्ना मोबाइल ऐप से की गई, जिसमें कुल 17 तरह की जानकारी ली गई है। पटना जिले में 3,532 ऐसे परिवार हैं जिनका कोई अस्थायी निवासी नहीं है, जो जानकारी अब तक निकली। हालांकि यह जानकारी तब प्रमाणित होगी जब बिहार सरकार जो आंकड़ा इकट्ठा की है उसे सार्वजनिक करेगी। आपको बताते चले कि बिहार में जाति गन्ना का काम जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। जनवरी महीने में पहला चरण होने के बाद अप्रैल में दूसरा चरण आयोजित किया गया था। इस बीच पटना हाईकोर्ट ने गन्ना पर अस्थायी रोक लगाई, हालांकि बाद में रोक हट गई और तेजी से इस काम को किया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सरकार जाति गन्ना के आंकड़े सार्वजनिक भी करेगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और नीतीश कुमार का ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इसे सार्वजनिक कर दिया जाए। क्योंकि राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार को ऐसा डर है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सहारे इस पर रोक लगा सकती है। अगर इस पर रोक लग गया तो फिर विपक्षी पार्टियों का सारा गेम जो है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का सबसे बड़ा मुद्दा जाति आधारित गन्ना है। और न सिर्फ बिहार में बल्कि बाकी स्टेट में भी मांग जो है विपक्षी पार्टियों की तरफ से मजबूती से उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ विपक्ष की सरकार है स्टेट में, वहाँ की सरकार इस गन्ना कराने को लेकर जो है वो पहल भी कर रही है। कई स्टेट के सरकार ने यहाँ तक ये भी कह दिया जल्द ही कांग्रेस शासित राज्यों में जाति आधारित गन्ना होंगे। अब केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि किसी भी हाल में केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो खुद से जाति आधारित गन्ना कराए, ताकि यह पता चल सके कि किस जाति के कितने लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है। क्योंकि हर एक जाति में गरीबी और अमीरी है और उनके अनुसार से सरकार बजट बनाएगी, और जब यह आंकड़ा सरकार के पास होगा तो सरकार को बजट बनाने में आसानी होगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।